तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शेयर लेकर आया। अगर बात करें कंपनी की स्थिति, लास्ट सिक्स मंथ में ना के बराबर ग्रोथ दिखाया और लास्ट वन ईयर में भी यहाँ पे मात्र 45% की रिटर्न दिया। अभी तक तो रिटर्न नहीं दिया, जस्ट इसमें जो स्थिति हो रहा है IRFC वाला हो रहा है, IRFC वाला इसमें खेल हो रही है। अगर बता दें ये कंपनी बहुत इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट जो बिजनेसमैन है उसकी ये कंपनी है, तो आने वाले समय में ये कंपनी तो कुछ करके देखा। अगर कंपनी को मैक्सिमम टाइम ग्रोथ की बात करें, जब इसका IPO आई थी 2010 में, यह मात्र 40 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, वहाँ से लेकर करंट स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा है तो 15 रुपया तक लोएस्ट गई है। उसके बाद भी प्रजेंट 20 रुपया पर ट्रेड कर रही है। तो अभी तो देखे तो मैक्सिमम टाइप तो ग्रोथ ना के बराबर दिखाई, लेकिन क्या आने वाला समय में यह ग्रोथ दिखाने के लिए तैयार है। कंपनी देखे तो यहाँ पे इसका अपना धीरे धीरे मोनोपोली क्रिएट करने वाली है। तो यहाँ पे पहले बता दीजिए अपना इकोसिस्टम पहले भी बनाया, अगर जियो लॉन्च किए तब से यह इकोसिस्टम अपना बना रही है। अगर कोई भी इकोसिस्टम बनाती है कोई कंपनी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उसी को प्रॉफिट होती है। तो पहले कंपनी का नाम जल्द, तो कंपनी से कुछ कारनामा देखते हैं क्या क्या काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। तो कंपनी का नाम है हाथवे केबल के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं कि कंपनी क्या क्या काम कर रही है। यहाँ पे स्पीड की बात करें, ये जो अपना ब्रॉडबैंड की स्पीड दे रही है यहाँ पे 300 Mbps के अकॉर्डिंग देती है। यहाँ पे देख सकते हैं गेमिंग का फ्यूचर है, बहुत सारे चीज़ है और कुछ कुछ ऐड भी है कि इसमें। अगर बात करें चैनल की, बहुत सारे इसमें चैनल भी ऐड किए हैं, जिसमें पॉपुलर जो चैनल है इसके, जो अगर बात करें एक सोनी है और G5 है और JioTV है, तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है, कंपनी तो ग्रोथ दिखाई गई ऐसा बात नहीं, इसका कुछ चीज़ों प्लान देखे तो प्लान में भी कुछ अलग देखने को मिलती है। और कुछ आंकड़ा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम कुछ पैरामीटर पर चेक करते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, इसके ऊपर भी बात करें। तो कंपनी का नाम है हाथवे केबल DataCom के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी के देखे तो कुछ चीज़ों पे नज़र डाले, यहाँ पे करंट प्राइस के अकॉर्डिंग देखे हम 20 रुपये ट्रेड कर रही है। ग्राम नंबर देखे तो हमारे 17 रुपया है, परफेक्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री रेशियो देखे 46 है और कंपनी के रिटर्न प्राइस टू अर्निंग देखे तो यहाँ पर 36 है। इसके अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड जोन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। डिविडेंड 0 है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ हो चुके। डेट की बात करें 19 करोड़ की और डेट इक्विटी यहाँ पे 0, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पीत्रो बिस्कोर के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट फिट बैठती है, लेकिन रिटर्न इक्विटी आज 2% की है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 45% है, जो एक अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर बात करें कंपनी अगर आराम से यह 40 रुपया यहाँ पर प्राइस जाता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से भी करंट स्थिति के अकॉर्डिंग। अगर कंपनी के यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा क्वार्टर टू क्वार्टर एनुअली या क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है। एनुअली ग्रोथ में देखें तो कंपनी एनुअली ग्रोथ में यहाँ पे देख सकते हैं मार्च की जो आंकड़ा है 2024 में, यहाँ पे देख सकते हैं 2023 की बात करें वहाँ पर 1800 करोड़ से अभव की आई, लेकिन 2024 में देखें तो यहाँ पर 1900 करोड़ से अभव की आई। तो एक यहाँ पर 100 करोड़ से इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा देखने मिली है, जो एक अच्छी बात है 150-200 करोड़ की एक पॉजिटिव बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी नेट प्रॉफिट में 99 करोड़ की नोट, यानी 100 करोड़ की नेट प्रॉफिट में भी है। तो कंपनी यहाँ पे सारी जगह से लग रही है कि आने वाला समय कंपनी ग्रोथ दिखाएगी। और दूसरी बता दें यहाँ पे प्रमोटर होल्डर 75% है, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें 20% इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पर क्वालिफाइड इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं है, लेकिन कि यहाँ पर इंटरेस्टेड दिखा रही है आने वाले समय में, यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर अपना इंक्रीजमेंट करेगी और एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कंपनी से दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपका डिसीजन। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।